क्या नाम है सर आपका? अनुज बिश्नोई सर। कौन से काम करेंगे मेरे सर? गांव बुरुज बंगू सर। तो किस तरह से ये फ्रॉड का मामला है सर? ये इंस्टाग्राम पे आजकल चल रहा है कि आप 500 रुपये दो आपको 5,000 मिल जाएंगे, 5,000 दो 50,000, ऐसे चल रहा है सर। सर ये ना फ्रॉड चल रहा है बहुत दिनों से, जिसमें कि मेरे फ्रेंड 15 से 20 फ्रेंड पजे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने पैसे डाल दिए, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि अनुज ये बात है, तो मैंने उसमें 500 रुपये डाले उनको। डालने के बाद उन्होंने बोला 30 से 35 मिनट आप वेट करो सर, मैंने ब्लॉक किए। उसके बाद उनका मैसेज आया कि सर आपका प्रॉफिट 20,000 रुपये हो गए, जिसके चलते हमें 18% GST देनी पड़ेगी, ठीक है। 18% GST देनी पड़ेगी, उसमें 3600 रुपये लगेंगे आपके, और आपको 23,600 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर अपना नंबर डाला सर मेरे को कि आप मेरे से बात करो। तो मैंने कॉल किया, तभी मैंने समझ गया जी, आपको पता है, मेरे को तो पता ही था पहले फ्रॉड चल रहा है, जिसके चलते हमने फिर फ़ोन किया। फ़ोन करते बोले ये डालो, मैंने बोला क्यों लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, आप थोड़ा का मतलब ये और मेहनत कर लो, मेहनत का काम करो, ये क्यों कर रहे हो आप। जिसके चलते उन्होंने गाली गलौज भी की मेरे साथ, आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेज चुका हूँ कि। तो ये सारी जो कन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे भी थी सर? नहीं, इंस्टाग्राम सर, इंस्टाग्राम ये चल रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे भी सर जी। हाँ जी, ये तीनों प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो ये इनसे बच के रहे, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई इनको ना दें सर। तो किस चीज़ की एवज में सर वो डिमांड करते हैं या कैसे ये पैसा देते हैं, क्या बात करते हैं? ये कह रहे हैं कि ट्रेडिंग करते हैं हम, ट्रेडिंग में आपका आप 500 लगाओगे तो आपको 30 से 35 मिनट में प्रॉफिट दे देंगे हम। अच्छा, 30 से 35 मिनट? हाँ जी। तो कितना कितना प्रॉफिट सर होता है इसके अंदर, क्या कुछ करते हैं वो? सर वैसे तो फ्रॉड है, पर कहते हैं कि 500 के 5,000 हो गए, ऐसे बढ़ाते जाते हैं, 1,000 के 10,000, ऐसे 15 के 1.5 लाख। तो सर काफी तरह के युवा जो हैं इस पूरे जाल में फंसे। हाँ जी, क्योंकि आप मेरे सर्कल में देख लो, 15-20 फ्रेंड मेरे फंसे हुए इसमें, ठीक है। उन्होंने अपने 500-500 भी लगाए किसी ने, तो 5-6 हज़ार रुपये तो इनके ऐसे ही बन गए, जिसके चलते उन्होंने मेरे से बात की, क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। अपील करना चाहता हूँ कि ऐसों पर रोक लगाई जाए सर, लोगों की मेहनत की कमाई ये खा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, मैंने बोला मेरे 500 वापस करवाई, उसने बोला मैंने तेरे 500 के दाम होका पी गया, अगर 3600 रुपये और दे देता तू तो मैं दारू भी पी लेता। तो सबसे बड़ी बात, ये पेमेंट किस में लेते हैं, गूगल पे में, फोन पे, पेटीएम? ये भारत ऐप है जी इनका, भारत ऐप QR कोड होता है उसमें लेते हैं सर ये। सर प्रशासन से मेरी यही मांग है कि आपको मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, जिस पे इन्होंने मैंने कॉल किया है, वो उनको नंबर लेके इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। शिकायत दी है कोई आपने पे? नहीं, शिकायत नहीं दी मैम, क्योंकि शिकायत देते हैं अगर किसी का नाम पता हो तो ही देंगे ना। अनोन है सर। क्या लगता है पूरा ग्रुप है इस पूरे मामले? पूरा ग्रुप है सर, अकेले बंदे का ये काम नहीं है। ये मेरे इंस्टाग्राम पे सर 30 से 40 बंदों की ऐसी स्टोरी लगी मिलती है मेरे को, ना मैंने उनको फॉलो कर का ना कोई बात, फिर भी मिल जाती है। तो ये कोई स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं कि आपकी पेमेंट कंफर्मेशन है, ये हमने और लोगों को पेमेंट वगैरह दी, इस तरह के स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं? स्क्रीनशॉट भेजते हैं, पर जी वो गिरोह के बंदे होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरे साथ फ्रेंड है, मैंने उनको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके विश्वास दिलाने के लिए आगे डालते हैं।